बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कॉर्पोरेट अम्बेडकर नगर में, जहां पर 3 महीने बच्चे का बहुत ही दर्दनाक एक हादसा हुआ है। आइए हम जानते हैं उस बच्चे के घर परिवार वाले से, उनकी ज़ुबानी कि आखिर में उस बच्चे के साथ में क्या हुआ क्या नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदुभाई चंद्रकांत चितकोटे। जो 3 महीने के बच्चे के साथ जो हादसा जो हुआ है, उस बारे में पूरे खुल के बताइए कि आखिर में क्या उस बच्चे के साथ में घटना हुई है। घटना ऐसा हुआ है, 9:30 बजे एक छक्का आया था। छक्का ने हमको पूछा है, तुम्हारा घर में बच्चा हुआ है, उसको हमको कुछ खुशी दे देना। ये कभी की बात है? ये 8 तारीख 9 बजे 9 बजे आए थे। तो मैंने वो आता बोल के बाहर खड़ा रह गए, दरवाजे पे खड़ा था। उसको बोला, भाई मैं तेरे को 200 रुपये दिया है, अभी लॉकडाउन लगा है, सब लोग घर पे रहा है, तो उस अभी हमारे पास पैसा नहीं है, बच्चे का झूला नहीं डाला है, तब झूला डालेगा तो हमारा मर्जी से आपको कुछ भी दे सकता है, तो घड़ी घड़ी हमारा दरवाजे पे मत आ जाना, जब हमारा खुशी से जितना देगा बारिश का टाइम में तुम लेके जाना। तो फिर वो निकल गया इधर से। फिर हम लोग 9:30 बजे खाना बैठ गया, बच्चा सोया था, 9:30 बजे तक खाना खा के हम लोग बैठ गए थे, 10:30 बजे हो गया, तो बच्चे कुछ लाया था, हम लोग भी 11-12 बजे तक सो गए थे। सो जाने के बाद सो गया तो फिर बाद में 1:30 बजे मेरे को जाग आया। 1:30 बजे जाग आने के बाद बच्चे सोया था, बच्चों को मैं सीधा बीधा के कपड़ा डाला उसका बदन पे, फिर मेरी सो गई। सो जाने के बाद इसका आगे कुछ हो मालूम नहीं है। 3 बजे बिल्ली आया घर में, घुस के बिल्ली ने हमारा थाली गिराया, तब हमको जाग आया। जाग आने के बाद हमारा, हम लोग बिल्ली का ढूंढा नहीं, हमारा बच्चे को ढूंढने शुरू किया, बच्चा किधर गया। फिर ताबड़ तो हम लोग, हमारा बहू, हमारा लड़का पुलिस चौकी गया, तो बाकी का सब एरे का लोग ढूंढने चालू किया, हर गली में ढूंढने चालू किया। कपड़े प्रोटेशन में बोल दिया है, ऐसे ऐसे एक लड़का कन्नू बोल के हमारे घर पे आया था, जब ये घटना घड़ा है। आज मैं 30 साले एरे में रहती हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, इतना बड़ा कार्यकर्ता का घर में आस्था हुआ है, मामूली लोग का घर में कैसा हो सकता है? ऐसा कपरेट में अंदर 3 बच्चे का ऐसा हुआ था, 2 महीने का पहला 11 साल का लड़के का भी ऐसा हुआ था, उसको कुछ हुआ नहीं है। कपरेट पोर्टेशन ने इतना हमको मदद किया है बारे में, पूरा पुलिस लोग काम पे लगा था, मेरे उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। वो लड़का को, हमारे लड़की को जैसा उसने किया है, उसको मेरे तरफ से विनंती है, वो लड़का का फांसी होना चाहिए और वो लड़का का जमीन पे छूटना नहीं चाहिए, सादा पर नहीं लेना चाहिए। पुलिस लोग इतना अपने लिए मदद किया है, मेरे बच्चे को, 3 महीने का बच्चे को उसने ऐसा किया है, उसका साथ भी ऐसा होना चाहिए। जज साहब भी सुना रहेगा, किधर भी मेरा कंप्लेंट गया रहेगा कोर्ट में, जज साहब सुनना चाहिए, 3 महीने का बच्चे को ऐसा किया है, उसको फांसी का शिक्षा होना चाहिए, मैं विनती करती हूँ। मैडम, जैसा कि आपने पूरी घटना के बारे में हमें बताया, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी, इसलिए हम आए हैं यहाँ पर। और हम ये जानना चाहते हैं कि जब बच्चे का जब किडनैपिंग हुआ, ठीक है, एक किन्नर ने किया आपने बताया, ठीक है, तो उसके साथ में और कोई मौजूद था वो घटना के अंदर? मैं तो आक्षेप नहीं देखा, वो लड़का को देखा है, क्योंकि मैं पुलिस लोगों ने 2 लड़का को लेके आया बोला, मैंने दूसरा लड़का को नहीं देखा, कोई किन्नर को देखा है, मैंने फर्स्ट पुलिस लोग को बोला, उसका वजह से कुछ हुआ नहीं, वही लड़का किया है। मैं 30 साल कपड़े के अंदर रहती हूँ, मैं 24 घंटा मेरा दरवाज़ा खुला रहता है, कभी भी कुछ हुआ नहीं है, अभी पहला बार भी मेरा घर में घटना घड़ा है। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मिड डे वाले को भी रिक्वेस्ट करती हूँ, वो लड़का को फांसी का शिक्षा होना चाहिए, तब कपरेट का एरिया, गणेश मोतीनी एरिया, गीता नगर एरिया आणि मच्छी मारने एरिया सुधर जाएंगे। ड्रेस गांजे वाला वो गोली क्या लेता बोलता, वो बोला ये सब बंदोबस्त होना चाहिए, पुलिस लोग कितना काम करना चाहिए, इतना बड़ा काम कदम उठाया है, ये सब कुछ बंद करना चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट है। अच्छा, कितने टाइम के बाद में आरोपी को अरेस्ट किया गया, वो मामले में क्या बताना चाहोगे? वो खुद ही पुलिस चौकी गया है। अच्छा। खुद ही गया है कि हमारे घर में तुम क्यों आए थे, रात में ढूंढने लगा था, मैं क्या चोरी किया है क्या, मैं बच्चा चोरी करने वाला दिखते है क्या, कहाँ का है वो? यहाँ का है। अच्छा। यहाँ का है, तो उसको खुद ही गया था,
हम लोग नहीं पकड़ा है, वो खुद ही पुलिस चौकी गया था। मैंने चोरी नहीं किया है, मेरे बच्चे को चोरी नहीं किया, मेरा पास क्यों आ रहा है सब लोग मेरे क्यों ढूंढ रहा बोल के खुद ही गया था। आखिर में उसने कबूल लिया वहाँ पर? हाँ कबूल लिया, बोलता मैंने ही मारा बोल के, वही खुद आके बच्चे को दिखाया। पुलिस लोग ने मदद करके, इधर के एरिया को लोग मदद करके। मारने की जो असल जो घटना है, मतलब असल जो बात है वो क्या है? असल क्या बात है, वो उस बच्चे को किडनैप तो किया गया, ठीक है, तो आखिर में मारने की जो असली वजह है वो क्या है, वो बताइए। वो इसने ऐसा बताया है, उसने घर पे मैं पैसा मांगने गया था, उसने मेरे को पैसा नहीं दिया, उसकी वजह से मैंने बच्चे को उठाया। पुलिस लोग ने ऐसा बोला कि तू तो क्या उसको कर्जा दिया था क्या, उसके घर पे गया था मांगने के लिए, तो क्यों गया था, बच्चे का साथ क्यों किया था, ये आज नहीं तो कल फिर मांग के लेने का था, बच्चे का साथ क्यों, कैसे घटना घटा, तो बोल के पुलिस लोग ने उसको ताबे में लिया है। पुलिस लोग ने उसका इंक्वायरी कर रहा है, आगे की भी इंक्वायरी करेगा। पुलिस लोग के ऊपर मेरा विश्वास है, मेरा सब भाई बंधु के ऊपर विश्वास है। मैं मिडडे को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वो लोग भी रिस्क लेना चाहिए। अच्छा, बच्चा जो है वो कितने वक्त में फिर मतलब मिला और कहाँ से मिला? 10 घंटे के बीच। 10 घंटे के बाद तो कहाँ पे बच्चा मिला, बच्चे की मतलब बॉडी कहाँ मिली? खाड़ी में, मैंग्रोव के अंदर उसने उसको दफनाया था। जब उसने दफनाया था तब वो तब दरिया में पानी नहीं था, सूखा हुआ था, लेकिन जब अमावस की रात थी उस दिन, इसलिए पानी ज़्यादा हो गया, इसलिए बच्चे को फाइंड नहीं कर पाए। वो थोड़ी देर गुमराह कर रहा था कि यहाँ रखा है वहाँ रखा है, पुलिस के साथ साथ और जो लोग थे उनको भी, लोकल लोगों को गुमराह कर रहा था ताकि वो पकड़ा ना जा सके। तो लोग ढूंढने लगे तो मिला नहीं उनको, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वहाँ जो लोकल लोग रहते हैं, वहाँ जो आते जाते रहते हैं, उनको पता है कि कैसे वहाँ जाना, तो वो वहाँ सर्च करने लगे तो उनको बच्चे का पैर हाथ में मिल गया, तो उन्होंने बच्चे को निकाला। तो ऑलमोस्ट इस बात को 10 घंटे हो चुके थे, बच्चे को जो दफनाया और मिलने का दौरान जो था वो 10 घंटे का था। हमारे महाराष्ट्र सरकार से आप क्या गुहार लगाओगे, क्या चाहोगे आप, क्या आखिर में इस किन्नर को जो है किस तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किन्नर का तो है ही इशू, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का जो इशू है वो है ड्रग्स, चरस और गांजा। यहाँ के जो टीन एजर्स है 12 to 18, मोर देन 18 जो है वो बच्चे यहाँ ड्रग्स करते हैं, और यहाँ सब लीगल तरीके से बेचा जाता है। ये कॉर्पोरेट पुलिस स्टेशन को ये सब बातें पता है कि यहाँ सप्लाई होता है, लेकिन वो इस बात को कुछ ज़्यादा उस पर एक्शन नहीं ले रहे, ध्यान नहीं ले रहे, इसके वजह से यहाँ जो है वो क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। जो अभी जिस किन्नर ने ये घटना घटाई है वो भी 22 ईयर्स का है, तो ये उस नशे के हालत में ही किया है। तो पहले अगर वो इस पे लगाम लगाए तो एक क्राइम कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकता है। दूसरी मेरी हम सबकी सरकार से यही गुहार है कि उसको अंडर 302 के तहत फांसी होना चाहिए, और ये केस जो है वो फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए, जल्द से जल्द ये केस हम सरकार को हैंडल सरकार उसको नतीजे पे लाए और उसको फांसी दे दे, हमारी यही गुहार है उनसे। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पर ये थे हमारे साथ में, पहले बच्चे की दादी और ये उनकी फूफी है बच्चे की। हम भी सरकार से और हमारे सरकार और सीएम उद्धव ठाकरे साहब से गुजारिश करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से बॉम्बे प्रेस के, कि इस बच्चे के जो घटना जो घटी है, 3 महीने के बच्चे के, एक किन्नर ने एक बच्चे की जान लिया एक छोटी सी बात को लेकर, तो आखिर में ये कब तक चलता रहेगा हमारे मुंबई शहर में, हमारे साउथ मुंबई में खास करके बोला गया। हमारे सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको जो है इस केस को फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और यहाँ पर जो है जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत से यहाँ पर ड्रग्स का मामला जो है चलता रहता है, कॉर्पोरेट पुलिस स्टेशन से भी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर भी जल्द से जल्द लगाम लगाया जाए। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।